हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग सीरीज की थर्ड वीडियो है, जिसमें आज हम कॉम्प्लेक्स शेप की लैंड या प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों, कई बार हमारे प्लॉट की शेप बहुत ही आड़ी तिरछी होती है, उसका एरिया निकालने में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वीडियो में बने रहें, आज आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा प्लॉट आड़ा तिरछा हो, जैसे कि ये प्लॉट है, इसकी कोई शेप नहीं है, न ये रेक्टेंगुलर है, न ट्रेंगुलर है और न ही स्क्वेयर, तो ऐसे प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से एरिया हो गया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये एस क्या है? तो एस होता है ट्रेंगल का पैरामीटर, और एस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, मीन्स पैरामीटर कैलकुलेट करने का, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वेयर। अब इसमें एक्स वाई और जेड क्या है? इसमें एक्स है एक्स वाई का डिस्टेंस, वाई है वाई जेड का डिस्टेंस, और जेड है जेड एक्स का डिस्टेंस। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो इस लैंड एरिया को जितना हो सके उतने मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेना है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारा ये प्लॉट हमने तीन ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया है, ए सी डी, ए ई डी और AEB, जिसमें ट्रेंगल ACD में A to C है 12 फीट, C to D है 10 फीट और A to D है 15 फीट। तो पहले हम इस ट्रेंगल ACD का पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका जो फॉर्मूला है वह होता है इन तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, मींस AC प्लस CD प्लस AD डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू AC है हमारा 12 फीट प्लस सी डी है 10 फीट प्लस ए डी है 15 फीट डिवाइड बाय 2, और ये आ गया कैलकुलेट करने के बाद 18.5 फीट। बस अब सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो गया अंडर रूट एस, और एस आया हमारा 18.5, फिर एस माइनस ए 18.5 माइनस ए सी जो है 12 फीट, एस माइनस बी मीन्स सी डी जो 10 फीट है, और S माइनस AD जो 15 फीट है, और कैलकुलेट करके ये एरिया आ गया इस ट्रेंगल ACD का 59.81 स्क्वायर फीट। ऐसे ही सेकंड ट्रेंगल AED का एरिया निकाल लेंगे, AD है 15 फीट, AE है 15 फीट और DE है 14 फीट। तो पैरामीटर हो जाएगा इस ट्रेंगल AED का 15 + 15 + 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 22 फीट। तो इसका एरिया होगा अंडर रूट एस, एस है 22, एस माइनस ए डी तो 22 - 15, एस माइनस डी ई 22 - 14 और एस माइनस ए ई 22 - 15, और ये आ गया 92.86 फीट इस ए ई डी ट्रेंगल का एरिया। ऐसे ही तीसरे ट्रेंगल ए ई बी का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो एस इज इक्वल टू 18 + 14 + 15 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 23.5 फीट, और एरिया हो जाएगा 23.5 - 18, 23.5 - 14, 23.5 - 15, और ये आ गया कैलकुलेट होकर 102.16 फीट। अब हमारे पास इन तीनों ट्रेंगल्स का एरिया आ चुका है, तो टोटल लैंड एरिया के लिए इन तीन ट्रेंगल एरिया को ऐड कर देंगे, जो हो गया टोटल एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू 59.81 प्लस 92.86 प्लस 102.16 इज इक्वल टू 254.83 क्यूबिक फीट। तो 254.83 क्यूबिक फीट हमारा इस पूरे प्लॉट का एरिया, इस पूरे का। एक बात और ध्यान रखें कि इस मेथड से आप कर्व शेप एरिया को फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल मेथड को यूज करना होगा। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर इस स्लाइड की PPT चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, और सिविल इंजीनियरिंग की फ्री PDF ईबुक डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myengineeringsupport पर जाकर
ईबुक सेक्शन से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।